गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर मैथ्स क्लास। आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? आज हम नया चैप्टर करेंगे, दैट इज टाइम। चैप्टर टाइम, टाइम। आप लोगों ने टाइम के बारे में तो सुना ही होगा, कई बच्चों को तो घड़ी देखना आता भी होगा। घड़ी देखना मतलब सिर्फ ऐसे करके ऐसे देखना नहीं होता, कितने बजे वो ओके। और टाइम में सिर्फ घड़ी के बारे में भी हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? Days of week, months and a year. Okay? Days of week और months and a year. एक वीक में कितने दिन होते हैं बताओ? There are 7 days in a week. और एक year में, एक साल में कितने महीने होते हैं? How many months? 12 months. Okay? ये basic हो गया। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? How many hours are there? There are 24 hours in a day. एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और एक घंटे में मिनट्स कितनी होती? एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। लेकिन एक घंटे में मिनट्स कितनी होती है? तो 60। एक घंटे में 60 मिनट्स होती है। अब हम पढ़ेंगे घड़ी के बारे में, टाइम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसा अपनी घड़ी में देखा होगा, वहां पर आपको दो एरोस दिखते होंगे। दो एरोस, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। कैसा होगा? एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। सपोज होगी कि मेरी पहली घड़ी है, उसमें मैं स्मॉल हैंड जो है, छोटा सा एरो जो आपको घड़ी में दिखता है, वो मैं 3 के पास, मतलब 3 को फेस करता हुआ बता रही हूँ। और बड़ा हैंड वो 12 को फेस करते हैं। तो ये कितने बजे स्टूडेंट्स? जब हमारा बड़ा हैंड 12 को फेस करता है और छोटा हैंड किसी भी नंबर को फेस करता है, तो वो उतने बचे होंगे। मतलब कि यहाँ पर जो छोटा हैंड हमारा है वो 3 को फेस कर रहा है, बड़ा जो है वो 12 को। तो यहाँ पर कितने बजे है? 3 o'clock। कितने बजे है? 3 o'clock। उसी तरह से अगर हमारा छोटा हैंड जो है वो 3 को फेस कर रहा है और बड़ा वाला भी 3 को ही फेस करता है, ठीक है? छोटा हैंड मेरा जो है वो 3 को फेस कर रहा है और बड़ा हैंड जो है वो भी 3 को फेस कर रहा है। तो इसको हम कितने बजे होंगे कहेंगे? इसको हम कहेंगे 3:15। 3:15 या तो फिर 15:15। मतलब इतनी मिनट्स बीत गई है, पास्ट मतलब जो बीत गया है, ये तो हम लोगों ने टेंसेस में पढ़ा ही है। पास्ट मतलब की जो बीत गया है। क्वार्टर पास्ट 15। घड़ी में अगर आप देखोगे तो आपको 5 का टेबल ही दिखेगा। कैसे? 5 यहां पर अगर हमारा बड़ा हैंड आएगा तो ये कितनी मिनट्स होगी? 5 मिनट्स। अगर 2 पर आएगा तो 10। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60। ओके, तो अगर 12 पर हमारा बड़ा हैंड है तो वो 3 o'clock बचे। अब जब 13 पर है तो मतलब 5, 10 और 15 मिनट्स बीत चुकी है, 3:15। 3:15 ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वार्टर पास्ट 3। इसको हम 3:15 भी लिख सकते हैं और क्वार्टर पास्ट 3। उसी तरह से यहां पर हम देखेंगे हाफ पास्ट 3। देखो, मेरा छोटा हैंड जो है
और बड़ा हैंड जो है वो 6 को, छोटा हैंड जो है वो 3 को और बड़ा हैंड जो है वो 6 को, मतलब 3 यहाँ पर 6 पर हमारा बड़ा हैंड है, तो 5 6 का कितना होता है स्टूडेंट्स, 5 6 का 30, तो मतलब यहाँ पर कितने मिनट्स हुए होंगे, 30 मिनट्स, 3 o'clock 30 मिनट्स, 3 o'clock 30 मिनट्स, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 3:30, ओके, अब यहाँ पर जब है तब 3 o'clock है, यहाँ पर जब है तब 3:15 है, तो यहाँ पर जब हमारा बड़ा हैंड है तो ये कितना होगा, ये 30 मिनट्स पास कर चुका है, ये 30 मिनट्स पास कर चुका है, तो अब ये क्या होगा, हाफ पास्ट थ्री, समझ में आ गया, जब हमारा बड़ा हैंड 12 को फेस कर रहा है तो वो 3 बजे, जब हमारा बड़ा हैंड 3 को फेस कर रहा है तो वो 3:15 है, मतलब 3:15 मिनट बीत चुके हैं, तो 3:15 मिनट, और जब हमारा बड़ा हैंड 6 को फेस कर रहा है तो वो 3:30 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, इन दैट कम टू पेज नंबर 179, ओके, चैप्टर नंबर 10, दैट इज टाइम, चैप्टर नंबर 10, टाइम, पुट टुडेज डेट ऑन द टॉप, टाइम, उसकी पहले हम वोकैबुलरी करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स हम करेंगे, टाइम, लॉन्ग मतलब लंबा, डे दिन, नाइट रात, वैल्यू उस चीज की वैल्यू कीमत, नून आफ्टरनून मतलब दोपहर, वीक हफ्ता, इयर्स साल, लेट देरी, क्लॉक घड़ी, अर्ली जल्दी, कैलेंडर जिसमें सारे महीने दिन सब होता है उसको कहते हैं कैलेंडर, मंथ्स महीने, सीजन्स, सीजन्स तो आपको पता ही है, इवनिंग शाम को, मॉर्निंग सुबह को, हाफ पास्ट मतलब आधा घंटा 30 मिनट्स, क्वार्टर पास्ट 15 मिनट बीत जाना, ओके, नाउ टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 180, पहला क्लाउड, देर आर सेवन डेज इन अ वीक, अंडरलाइन करो, 7 days और वीक, ओके, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, सबसे पहला दिन कौन सा होता है वीक में, मंडे, तो फर्स्ट डे और मंडे को अंडरलाइन करो, देन द लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे, आखिरी का दिन कौन सा होता है, लास्ट डे संडे, ओके, अब राइट डाउन ऑल द डेज ऑफ द वीक, यहां पर आपको क्या करना है, मंडे से शुरू करना है और खत्म कहां करना है, संडे पर, ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ओके, नीचे आओ, ये आपको होमवर्क में करना है, राइट ओवर हियर होमवर्क, अ ईयर हैज 12 months, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 months, ओके, सम मंथ्स हैव 30 days एंड सम हैव 31 days, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं और कुछ महीनों में 31, ओके, ओनली फेब्रुवरी हैज
28 और 29 डेज। सिर्फ फरवरी में ही 28 या तो फिर 29 डेज होते हैं, जैसे आपको नीचे दिखाया गया है। देखो यहाँ पे मंथ्स है, यहाँ पे डेज है। जनवरी 31, फरवरी 28 और 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, रीड एंड लर्न। ये आपको रीड भी करना है और लर्न भी करना है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से लर्न करना, मिक्स अप मत कर देना। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। इस पेज में हमने क्या पढ़ा था, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, और यहां पर फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, ओके। देन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज डिसंबर, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज डिसंबर, ओके। अ ईयर हैज 365 डेज, एक साल में कितने दिन होते हैं स्टूडेंट्स, 365। ये सब आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स में पूछ सकती हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखना, ओके। एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर विच हैज 366 डेज, हर चार साल में एक लीप ईयर आता है जिसमें एक साल में 366 डेज होते हैं। इन अ लीप ईयर, उस लीप ईयर में फरवरी हैज 29 डेज, फरवरी में उस साल फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29, ओके। अ ईयर हैज 52 वीक्स, एक साल में वीक्स कितने होते हैं, मतलब कितने हफ्ते होते हैं, 52, कितने वीक्स होते हैं, 52, ओके। देयर इज एन इजी वे टू रिमेंबर द डेज ऑफ ईच मंथ, फोल्ड योर हैंड एज इफ यू आर गोइंग टू पंच समवन। आपको क्या करना है ये याद रखने के लिए कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, आपको हाथ अपने ऐसे फोल्ड करने जैसे आप किसी को पंच कर रहे हो। पंच करने के लिए क्या करोगे, ये आपका हाथ है, आपने इसको ऐसे मोड़ दिया और ऐसे आप पंच करोगे, तो आपको ऐसे पंच करना है। नाउ काउंट द मंथ्स ऑफ द नकल्स एंड द बम्स बिटवीन देम। क्या करना है, देखो ये जो पॉइंटेड है नकल्स, वो आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4 एंड बम्स बिटवीन देम, बम्स बिटवीन देम, ओके। अब आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, आपको नकल्स और बम्स काउंट करने हैं। यू हैव टू फोल्ड योर हैंड लाइक दिस वे एंड यू हैव टू काउंट दीज, ओके। बम्स, द मंथ्स विच फॉल ऑन द नकल्स हैव 31 डेज एंड दोज विच फॉल इन बिटवीन द नकल्स हैव 30 डेज। जो ये नुकीले पार्ट पर मंथ्स आता है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खत्म। तो यहां से शुरू किया हमने, तो जनवरी, ये पॉइंटेड में आया जनवरी, तो इसमें आएंगे 31 डेज। फरवरी में हमें पता ही है कि 28 या तो फिर 29 डेज होंगे, जनवरी, फरवरी। नाउ मार्च, मार्च यहां पर आया तो इसमें कितने दिन आएंगे, 31। अगेन मार्च के बाद अप्रैल, वो यहां पर आया तो 30 डेज। अप्रैल के बाद मई, अगेन 31, देन
जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड लास्ट दिसंबर 31। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब क्या करना है देखो। नाउ बाय यूजिंग दिस मेथड राइट द नंबर ऑफ डेज ऑफ ईच मंथ। क्या करना है इसमें, आपको मंथ्स दिए हुए हैं, इसमें कितने दिन आते हैं वो आपको लिखना है। कैसे आएगा, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31, फरवरी में 28, या तो फिर याद रखना कि 29, ओके, मार्च में 31, अप्रैल में काउंट करते जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, नव अप्रैल 30, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां तक खत्म हो गया। अब अगेन फिर से अगस्त, तो यहां पर फिर से आ गया, तो 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, अगेन दिसंबर 31। ये आपको मेथड से काउंट करके लिखना है, ओके। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 182। यूजिंग द कैलेंडर आंसर द फॉलोइंग। द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, आपको मंथ्स काउंट करने हैं और ऑर्डर में आना चाहिए। ये नहीं कि मुझे जनवरी, दिसंबर, फरवरी, जुलाई, अगस्त ये सब आता है, नो, आपको ऑर्डर में याद रखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब उसमें फोर्थ मंथ यानी कि चौथा महीना कौन सा होता है, काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहां पर लिख दो अप्रैल। ओके, नंबर टू, द सिक्स्थ डे ऑफ अ वीक इज, द सिक्स्थ डे ऑफ अ वीक इज, मंडे से शुरू करना है तो काउंट करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, देर आर डैश डेज इन सितंबर। सितंबर में कितने दिन होते हैं काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 डेज। ओके, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज, हमने आगे पढ़ा था, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। ओके, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। फेब्रुवरी हैज डैश डेज, फेब्रुवरी हैज डैश डेज 28, ओके, जुलाई हैज डैश संडेज, जुलाई मंथ में कितने संडेज आते हैं, एक महीने में चार हफ्ते होते हैं, तो उस हिसाब से 4 संडेज, ओके। अप्रैल हैज डैश वीक्स, अप्रैल में कितने वीक्स होते हैं, 4, हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं। द डेट ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मे इज, ये आपको क्या करना है, इस साल का आपको कैलेंडर देखना है, यानी कि 2022, उसमें महीना कौन सा देखोगे,
मे, और उस मे में लास्ट सैटरडे कब आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है, कौन सा डे आता है, डेट आती है वो आपको लिखना है। तो ये आपको खुद से करना है। ओके, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश डिसेंबर। क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 25th December। ओके, एंड दिस ईयर द डे इज डैश। अगेन आपको कैलेंडर में से देखना है कि 25th December कौन से दिन पर आता है। ओके, द चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कब होता है? 14th November। ओके, एंड दिस ईयर द डे इज, इस साल वो दिन कौन सा आएगा? अगेन वो आपको कैलेंडर में से देखकर लिखना है। राइट योर डेट ऑफ बर्थ, यहां पर आपको आपकी बर्थ डेट लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पेज। अ डे हैज 24 आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, कितने घंटे होते हैं? 24। 60 मिनट्स मेक 1 आवर, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। एंड 60 सेकेंड्स मेक अ मिनट, 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन उस 60 मिनट में जो 1 मिनट होता है वो 1 मिनट किससे बनता है? 60 सेकेंड से। तो अंडरलाइन करो, 24 आवर्स, 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ लुक एट दिस क्लॉक, एज यू मे रिमेंबर द लॉन्गर हैंड शोज मिनट्स व्हाइल द शॉर्टर हैंड इज द आवर हैंड। क्या है यहाँ पर? आपको एक घड़ी दिखाई दे रही है, उसमें दो एरोज हैं, दो हैंड्स हैं, वो क्या दिखाते हैं? शॉर्टर हैंड जो है वो हमें आवर दिखाता है, कितने बजे, घंटा, और बड़ा हैंड जो है वो हमें मिनट्स दिखाता है। ओके, नीचे आ जाओ। देर आर 60 स्मॉल डिविजन्स ऑफ 1 मिनट ईच ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक। यहां पर देखो आपको छोटे छोटे लाइंस जो दिख रहे हैं वो कितनी है पूरे क्लॉक में? 60 है। कितनी है? 60। देर आर 12 लॉन्ग डिविजन्स शोइंग द आवर्स। अब ये जो बड़े डिविजन्स हैं, वो हमें क्या दिखाते हैं? आवर्स। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ये हमें क्या दिखाते हैं? आवर्स, मतलब घंटे। द मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू मूव फ्रॉम वन लॉन्ग डिविजन टू द अदर। अब देखो ये 12 जो है और 1, ये दो बड़े डिवीजन है, उसके नीचे मतलब उन दोनों के बीच में छोटे छोटे लाइंस जो है वो छोटे डिविजन्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स। अब ये जो मिनट हैंड है उसको 12 से लेकर 1 तक जाने में कितने डिविजन्स लगते हैं? 5 मिनट्स। ओके, ये बड़ा डिविजन से ये बड़ा डिविजन पहुंचने में उसको 5 छोटे डिविजन्स लगते हैं। ओके, यानी कि 5 मिनट्स। When it completes one full circle crossing 60 small divisions, then the hour hand moves from one long division to the other। जब ये मिनट हैंड जो है वो 12 से लेकर पूरा सर्कल घूम जाता है, पूरे 60 divisions को क्रॉस करता है, तब जाकर ये छोटा डिविजन जो मतलब ये छोटा हैंड जो है, छोटा एरो है, वो एक डिवीजन से मूव करते 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 दूसरे डिवीजन पर आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये बड़ा हैंड जो है वो पूरा एक सर्कल घूमेगा तब 60 मिनट्स खत्म होंगे, और 60 मिनट्स वीकेंड आर, एक घंटा खत्म होने में कितने मिनट्स लगते हैं? 60। समझ में आया?
Turn your page. Come to page number 184. That is half past. In this clock, the minute hand is at 6. यहाँ पर जो है मिनट हैंड जो बड़ा हैंड है वो कहाँ पर है 6 के ऊपर है. दिस शोज 30 मिनट्स. मैंने पहले ही बताया आपको 5 6 30. ये पूरे क्लॉक में 5 का टेबल ही है. ओके जब ये मिनट हैंड 6 के ऊपर है तो मतलब कितने मिनट्स बीत चुके हैं 30 मिनट्स. द आवर हैंड इज बिटवीन 1 and 2. जो छोटा एरो है जो छोटा हैंड है वो कहाँ पर है 1 और 2 के बीच में है. मतलब कि कितने बजे हैं. द टाइम इज हाफ पास्ट 1. द टाइम इज हाफ पास्ट 1 मतलब 1:30. इट इज रिटन एज 1:30. ओके समझ में आया. नीचे आ जाओ. Quarter past. In this clock, the minute hand is at 3. जो बड़ा हैंड है वो कहाँ पर है 3 के ऊपर है. कहाँ पर है 3 के ऊपर. It shows 15 minutes. ये क्या दिखाता है 15 minutes. Because 5 threes are 15. The hour hand is between 1 and 2. द आर हैंड जो छोटा हैंड है वो कहां पर है 1 और 2 के बीच में है. द टाइम इज 1:15. 1:15. 1:15 हो चुके हैं. 1:15 बीत चुके हैं. इट इज रिटन एज 1:15. इट इज रिटन एज 1:15. ओके समझ में आया. हाफ पास मतलब हाफ मतलब आधा आधा घंटा बीत चुका. क्वार्टर मतलब 15 मिनट. क्वार्टर मतलब 15 मिनट. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 185. राइट द टाइम शोन इन द क्लॉक्स. आपको घड़ी में यहां पर टाइम दिखाया है. आपको नीचे सिर्फ लिखना है कितने बजे हैं. ओके पहला वाला मिनट हैंड कहां पर है 3 के ऊपर और आर एंड जो है वो कहां पर है 10 और 11 के बीच में. तो ये क्या आएगा 1:15. 1:15. ओके उसके नीचे मिनट हैंड कहां पर है 3 के ऊपर. कहां पर है 3 के ऊपर और 12 और 1 के बीच में है आर हैंड. तो ये कितने बजे है 1:15. ओके नीचे मिनट हैंड है 12 के ऊपर और आर हैंड है 8 के ऊपर. मतलब ये कितने बजे हैं 8 o'clock. कितने बजे हैं 8 o'clock. ओके यहां पर मिनट हैंड है 6 के ऊपर और आर हैंड है 8 और 7 के ऊपर. तो कितने बजे हैं 7:30. 7:30. ओके नेक्स्ट मिनट हैंड है 3 के ऊपर और आर हैंड जो है वो 9 और 10 के बीच में है. तो 9:15. ओके नेक्स्ट मिनट हैंड है 6 के ऊपर
और आर हैंड जो है वो थ्री और फोर के बीच में है, तो क्या आएगा हाफ पास्ट थ्री. ओके नेक्स्ट देखो, मिनट हैंड और आर हैंड दोनों ही जो है वो कहां पर है, थ्री के ऊपर है. कहां पर है, थ्री के ऊपर, तो क्या आएगा यहां पर क्वार्टर पास्ट थ्री. ओके यहां पर मिनट हैंड और आर हैंड दोनों ही जो है वो सिक्स के ऊपर है, तो क्या आएगा आर हैंड थोड़ा स्लाइटली आपको दिखेगा कि सिक्स और सेवन के बीच में है, लेकिन मिनट हैंड जो है वो सिक्स के ऊपर है, तो क्या आएगा हाफ पास्ट सिक्स. ओके समझ पे आ गया. नाउ टर्न योर पेज. Draw the correct time in the clocks. अब आपको यहाँ पर नीचे टाइम दिए गए हैं, आपको मिनट हैंड और आर हैंड जो है वो क्लॉक में बनाना है. कैसे बनाओगे, पहला क्या है हाफ पास्ट फोर. हाफ पास्ट फोर मतलब 4:30. ओके तो मिनट हैंड जो है वह सिक्स के ऊपर रखेंगे और आर हैंड जो है वह फोर और फाइव के बीच में रखेंगे. दिखाई दिया सबको, यस. नेक्स्ट क्वार्टर पास्ट टेन. क्वार्टर पास्ट टेन मतलब कि 10:15. 10:15, तो मिनट हैंड जो है वो हम थ्री के ऊपर रखेंगे और आर हैंड जो है छोटा उसे हम रखेंगे 10 और 11 के बीच में. ओके सिक्स थर्टी मतलब छोटा हैंड जो है वो सिक्स के ऊपर आएगा और 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स कहाँ आएंगे, अगेन सिक्स के ऊपर ही आएगा, तो मिनट हैंड और आर हैंड दोनों ही सिक्स के ऊपर आएंगे. ओके एट फिफ्टीन मतलब 8:15, तो मिनट हैंड जो है वो हम थ्री के ऊपर रखेंगे और आर हैंड जो है वो हम 8 और 9 के बीच में थोड़ा स्लाइटली रखेंगे. ओके नेक्स्ट वन इज 1:15, तो 15 है तो पहले हमें थ्री के ऊपर ही लिख रख देना है मिनट हैंड को और वन को 1 और 2 के स्लाइड बीच में. ओके इलेवन फोर्टी फाइव है मतलब क्या करेंगे हम, 11 के ऊपर रख देंगे, नो 45 फाइव के टेबल में कहाँ आता है बताओ मुझे. 5 9s are 45, तो ये जो मिनट हैंड है वो हम 9 के ऊपर रखेंगे और 11:45 मतलब 12:15 बाकी है. 12:15 बाकी है तो हम कहाँ रखेंगे आर हैंड, स्लाइट 12 के ऊपर आता हो ऐसा दिखाना है. ओके 11:45 हो चुके हैं. नेक्स्ट 7:45 7:45
तो अगेन 45 है तो मिनट हैंड हम रखेंगे 9 के ऊपर, और 7:45 है तो मतलब 8:15 है तो हम 8 के बीच में स्लाइड रखेंगे. ओके लास्ट वन 3:15 है तो 3 के ऊपर मिनट हैंड रख देंगे, और 3 भी है तो 3 के ऊपर भी रख देंगे आर हैंड, दोनों ही. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपका टाइम का चैप्टर जो है वो खत्म होता है. अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, जस्ट लेट मी नो, वी विल बी सॉल्विंग इट ड्यूरिंग अवर नेक्स्ट क्लासेस. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को टाइम का चैप्टर क्लियर हो गया है. अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, वी विल बी सॉल्विंग इट इन अवर लाइव क्लास. ओके स्टूडेंट्स, बाय.